हेलो ब्रेन दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं सैजल देवनाथ जिनका आई धनबाद में पी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है ये हमारे रेगुलर बैच से थे 2021 के रेगुलर बैच में इन्होंने ज्वाइन किया था तो एक साल इनको लगे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने के लिए तो इनसे जर्नी के बारे में देखेंगे और सुनेंगे कैसा क्या रहा बहुत इन्होंने मेहनत किया है और बहुत ही आ, मतलब क्या बोल यही बताएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेजल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस अभी कैसा लग रहा है और कहाँ सिलेक्शन हुआ है थैंक यू सर सर आई आई टी धनबाद में सिलेक्शन हुआ है अभी सिलेक्शन और अभी अच्छा ही लग रहा है सर सब कुछ सब कुछ है सर कर लोग भी चलो बहुत बढ़िया कब आया रिजल्ट आज ही आया था एक कुछ दिन पहले आया था आज से कुछ टाइम पहले आया था आने के बाद आप uh, यस 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 आपने मुझे तुरंत अभी मैसेज किया कब यहाँ जुड़े थे और कैसे क्या रहा था उसके बारे में कब यहाँ पर आए थे कैसा क्या रहा हाँ सर आपका सर यूट्यूब वीडियो देख कर ही मैं इधर ज्वाइन किया था मैंने सर हाबीबुल को जानता था उस वीडियो देख कर ही ज्वाइन किया था सर अच्छा कब जब ज्वाइन किए थे पिछले साल कब आए थे आप जुलाई में सर जुलाई में थे चलो चलो ठीक है तो उसपे आएंगे हम लोग पहला तो थोड़ा अपने बारे में बताओ और या अभी तक ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू था कि इसके पहले भी तुमने कहीं इंटरव्यू दी थी इंटरव्यू दिया अच्छा। रिजल्ट तो रिजल आया, रिजल आया। मतलब अभी तक आपने इस पीएचडी के दौरान तीन इंटरव्यू दिया है तीन में से एक का रिजल्ट आया दो का रिजल्ट आना भी बाकी है हाँ सर वाह दैट्स दैट्स रियली गुड बहुत बढ़िया तो आ, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए तो फिर हम डिटेलिंग में जाएंगे आपके सब कुछ में थोड़ा जो लोग आपको नहीं जानते उनके बारे में हाँ सर हम वेस्ट बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट में बिलंग करते हैं uh, मेरा पापा फादर uh, फादर फार्मर है मम्मी घर में तरह काम करते हैं मशीन में आ, uh, मेरा बी एस इधर कलान यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किया था शांतिपुर कॉलेज में फिर एग्जाम देकर आईआईटी पटना में एडमिशन लिया था तो आईआईटी पटना से आपका एमएससी कब कंप्लीट हुआ इस साल इक्कीस कुछ दिन पहले सर अच्छा करंट ईयर में मतलब पीएचडी में सिलेक्शन में जा रहे हैं और ये अभी अभी हाँ। आप जहां पर हैं आपका घर है कि कहां पर है आप हाँ पुछे? मेरा मेरा ही घर है तो ये ये मतलब क्या लकड़ी का पीछे बना है या दीवार है क्या है ये दिख नहीं रहा है मुझे पिक्चर में ये क्या है? ये वुड है तो क्या तो है वो का है ओ, बहुत बढ़िया तो मतलब कैसा रहा है जीवा? मतलब ये अभी तक एमएससी का जो आपका सफर रहा फाइनेंशियली आई I मीन mean, बहुत अच्छा था या कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए फाइनेंशियल नहीं था सर हम्म चल जाता था कुछ ऐसे फाइनेंशियली मतलब अच्छा नहीं था मतलब ठीक ठाक हो जाता था हाँ हाँ हो जाता है मैनेज हो जाता दिख रहा है दिख रहा है बोलने की जरूरत नहीं है दिख रहा है पीछे मतलब कहा जाता है ना बता दे रहा है आपका बैकग्राउंड चलो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़े हैं एंड आई एम फील प्रिविलेज्ड कि क्या बोलो तो कैसा रहा और आगे का चीज जब आईआईटी में पढ़ते थे और फिर ये रिसर्च के बारे में कि मैथ्स में ही जाना है ये आपको कब मतलब ये कब आया कि नहीं मैथ्स में ही आगे बढ़ना है मैथ्स में ही मेरा करियर आगे बढ़ना चाहिए ऐसा कब फील आया आपको नहीं सर जो मैं 11 12 पे पढ़ता था तब तो एक मेरा एक जो सर ने दादार बोला था उसको हुँ. उससे बात से कई फिर बीएससी में मैथ ऑनर्स लेकर पास किया था उसके बाद बाद मैथ ही अच्छा लगने लगा हाँ उसके बाद ही सो, सोच रहा हूँ मैथ में जाना है तो आईटी में जो आप थे आईटी में तो आईटी पटना में और ग्रेजुएशन जब आप करते थे जहाँ से कल्याणी यूनिवर्सिटी से आपने पता है तो कुछ डिफरेंस आपको लगा कुछ पढ़ाई लिखाई में या आप हाँ। दोनों क्या कैसा आपको फील है हाँ तो दोनों ही डिफरेंस है मैं तो कॉलेज ही नहीं जाता था जब बीएस में पढ़ता था हम्म हाँ सर क्यों ट्यूशन लेके पढ़ता था <laughs> कॉलेज <laughs> नहीं जाता था ट्यूशन लेके ही पढ़ता था कॉलेज पर थोड़ा जाता था अच्छा अच्छा और ये आईटी में आईटी में तो क्लास करना पड� यहाँ पे भी तो आपको क्लास करना पड़ता होगा डेली छो यहाँ पर यहाँ पर सुनना भी पड़ता था नहीं पढ़ोगे था <laughs> चलो लेकिन आज आज मैं बहुत खुश हूँ तो जो यहाँ सोच के आप आए थे नोबल फोरम या हमारे अंडर जो आप पढ़े वो चीज आपको मिला था जो आपको चाहिए था वो आपको यहाँ से मिला सर सर मेरा हाँ, मिल गया था सर। था 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 मैं मैं सबको पढ़ता उसको नहीं कर पाता एक एक के साथ एक, वो मैं सीख रहा था आपसे, आपसे चलो, चलो। जहा आप जा रहे हो वहाँ पे भी आप ऐसे ही चीजें बहुत अच्छे से सीखोगे और बहुत आगे बढ़ोगे और आई होप जो दो जगह आपका रिजल्ट नहीं आया है

हम्म उसमें अंडर वही क्वेश्चन किया था उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था हम्म चलो बहुत बढ़िया बहुत खुश और जो आपके एक और दोस्त हैं आई होप उनका भी हो जाए अभी नाम लेने की जरूरत नहीं है उनका है ना हो जाएगा तब हम लोग बातचीत करेंगे फिर आप दोनों को एक साथ आप दोनों को बुलाएंगे <laughs> दो, दोनों आप लोग कब से दोस्त हैं मतलब नाम नहीं लेना है उनका तो आप लोग मतलब कब से हैं मतलब बचपन से ही साथ में पढ़े लिखे है यहाँ पे भी एक ही साथ आए थे एक ही बैच में आए ऐसे बहुत लोग मिलते हैं ऐसे दोस्त लोग अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त थे जिनका ऐसे सिलेक्शन हुआ वो लोग आर से थे अभी जस्ट हुआ एक आई आई मद्रास में हुआ, हुआ एक आईटी खड़कपुर में हुआ तो अच्छा लगता है जब दोस्त एक साथ आते हैं और दोनों का एक जगह सिलेक्शन हो जाता है तो उससे कुछ खुशी की बात होती नहीं है बहुत ही मजा में हाँ बोलिए एमएससी में एक ही सिलेक्शन हुआ था हम दोनों दोस्त को हम लोग का एक साथ <laughs> वाओ और एक ही कॉलेज भी मिला ये <laughs> <laughs> इसको क्या बोल सकते हैं आप कैसा भी है माहौल हाँ। खुशी का कैसा है? क्या कुछ है? खुशे, खुशे सर। course, खुशी की बात है। तो उन लोग को पता है कि पीएचडी क्या होता है नहीं होता है आपने मम्मी पापा को आपने समझाया कि क्या आपका काम होगा वहां पर कैसे क्या करेंगे आप नहीं अभी अभी तो पता नहीं पहले जानते हैं सब पीएचडी एच डी जानते हैं तो है, जानते हैं। तो उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जानते ठीक है ठीक आपका काम बताएगा उन्हें है ना आपका काम बताएगा बहुत बढ़िया तो आगे जो इस टाइप के भी और सब भी जो स्टूडेंट रहते हैं सजल जो आ, आप ही का सिचुएशन जानते हैं मुझे पता है आप कितना फाइनेंशियली सेक्शन से गुजरे हो उस समय जो आपने बातचीत करी थी तो लोग भी कुछ इस टाइप के होते हैं या जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक भी होता है लेकिन थोड़ा एक, एक आता है जब थोड़ा अच्छा करें आपका क्या सजेशन है मेरे यही बोलना है सर जब लगे रहना है फिर कुछ दिन, हो ये। फिर दिन होने होगा होगा ही होगा कुछ ना कुछ जो मैं चाहता हूँ तो आपसे आपसे बात करके हमें मतलब क्या बोलो चल बहुत अच्छा लग रहा है जो मैं देख रहा हूँ तो क्लियरली मुझे दिख नहीं रहा है और शायद ये मोबाइल का भी दोष हो सकता है लाइटिंग का भी दोष हो सकता है और ये जो आप जिस जगह पर आप हैं इसे मुझे पता चल रहा है कि आप कितना तकलीफ से पड़े हैं कितने तकलीफ से आप गुजरे होंगे दैट आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली बोलने वाली बात नहीं है चीज भले आप चीजें मुझे जितना आपने बताया था उससे ज्यादा ही मुझे दिख रहा है बट एक पार्ट होता है लाइफ का वो आपने देख लिया अब आगे का पार्ट आपका अच्छा ही है ब्राइटली है ठीक है ना बस आगे बढ़ना है ऐसे ही काम अच्छे से करना है और जैसे होगा हम लोग हैं ठीक है ओके सैजल एंड आई जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप जो आपका जिगरी दोस्त है उसका भी हो जाए मैं और खुश बी मतलब आप दोनों के लिए बहुत चिंतित था मैं। उसका भी से हो जाए ठीक है फिर हम लोग मिलेंगे है ना ठीक है सैजल चलो थैंक यू थैंक यू एंड फाइनली खुश थे यहाँ पर पढ़ के मजा आया था हाँ जो चाहिए हाँ। था मजा आया था चलो ठीक हाँ। हाँ। ठीक खुश रहो खुश रहो से जल, मिलते हैं। बाकी स्टूडेंट जो यदि देख रहे हैं कोई भी दिक्कत हो डाउट्स हो इससे रिगार्डिंग आगे मिल कीजिए नोबल फोरम जीरो फाइव पे एट द रेट डॉट कॉम पे अगर आपको आगे मैथ्स में कुछ करना है सब्जेक्ट ओके सेजल टेक केयर बाय